मजीबुर मुहिद्दीन। हाँ जी मुहिद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आपने अबूजर भाई को, समझ गए ना आप मैं किनकी बात कर रहा हूँ? नहीं मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। अबूजर भाई जो कि दीन इस्लाम के, अच्छा उसका नाम अबूजर है? उसका नाम जी जी अबूजर है। अच्छा मुझे नहीं पता जी। अच्छा, तो सर आपने उनको कल का बच्चा बोला था। अच्छा वो मैं तो इंडिया से बात कर रहा हूँ सर, आपने उनको कल का बच्चा बोला था, लेकिन आप ये देखें कि आपकी अखलाकियत कहाँ है इस समय। आप कल का दूसरों बच्चा, के कल के बच्चे में कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं, और फिर आपने सादुल्ला, सादुल्ला भाई, ब्रदर सादुल्ला को भी आपने कहा था। वो गालिब ने कहा था पादुल्ला। हाँ, मैंने कहा। तो आप देखें, वो डिजर्व करता था यार, वो डिजर्व करता था। ठीक है, हाँ सर, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं ना आपको, और आप अभी आपने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला है। देखिए, नहीं मैं मानता हूँ वो आप पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हाँ तो वो अपने चैनल पे गालियां भी दे रहा भाई मुझे और हारिस को। ठीक है, जाके पहले उसे तुम ही सिखाओ। हाँ हाँ, दे रहा वो। जो बुजुर्ग भाई हैं उनकी वीडियो पे कमेंट तक किया आपने। अच्छा यार, आप मुद्दे पे बात करो, ये बातें हम, ये आप खाम खा जो है ना, आपने कमेंट भी किया था, आपने कमेंट डिलीट कर दिया था। नहीं नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया, नहीं 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 मैंने देखा था ऐसे ही कि देखूं क्या कह रहा है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक दो वीडियो ना मैंने देखी, मैं ऐसे ही कि मैं कहा, मैं उस वक्त स्टोइक के घर में था, मैं आज सॉ सम वो आ गई यूट्यूब रेकमेंड, तो मैं कहता देखूं क्या कह रहा है। वो बंदा मेरे आर्ग्यूमेंट्स को ही स्ट्रॉमैन करके रख रहा है। तो मैंने कहा इसको साल डेढ़ साल हो गया था, अभी भी पता नहीं साल डेढ़ साल हो गया इसको मेरे पे। मैंने कहा ये बंदा आज तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को ही जो सही तरीके से नहीं रख सकता, तो उसका क्या फायदा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जब हम इंजीनियर मिर्जा की बात करते हैं तो हम वही मुद्दा रखते हैं जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। हम कहते हैं आपके नजरिए के मुताबिक ऐसे है, तो उसमें फिर हम कीड़े निकालते हैं। मैं ऐसे नहीं करता कि उनके उनके आर्ग्यूमेंट को पहले ढीला करके स्ट्रॉमैन करके फिर उसको उसके अंदर लो भी आप जीत गए, जीत गए। अब पूछे क्वेश्चन क्या आपको? जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप खुदा के वजूद को क्यों नहीं मानते, ये बताएं जरा। सबूत आप देखें, नहीं नहीं, सबूत सबूत छोड़े, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन खुदा को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। सबूत को छोड़े क्यों, मुझे ये बताएं पहले, आप वजह देते हैं हम सबूत छोड़ देते हैं। देखिए सबूत तो आपके पास भी नहीं है ना खुदा के ना होने का। नहीं ना यार, आपको 100 दफा एक लॉजिक समझाइए, उस दिन आपके 10 बार ये लोग आ चुके हैं, भाई जो कहता कत्ल हुआ है लाश उसे दिखानी पड़ती है, जो कहता नहीं हुआ उसे थोड़ी दिखानी पड़ती है। आपको इतनी सी लॉजिक समझ नहीं आती आप लोगों को, अब क्या करें आपका फिर हम। सर एक मिनट सुन तो ले, आप पहले बात तो सुन ले। देखे इस दुनिया में हमें बहुत चीजें नहीं दिखती, ठीक है, पर होती तो है ना। हम देखने के मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हवा नहीं दिखती पर होती है। आप बोल दें हवा नहीं दिखती, दिखती आपको? नहीं, एक आपको दिखती है हवा? यार हवा, हवा बेशक नहीं दिखती, आप हवा के वजूद से इनकार कर रहे हैं, हम मुझे बताएं। हाँ तो अब ये देखे ना, हमने हवा के वजूद से इनकार किया है, और मुझे एक बात बताएं कि आप मुझे बताएं, आपको अगर मैंने कायल, आप अभी इनकार कर दें हवा का, मैं अभी आपको कायल कर दूंगा दलील से और आपके मुशाहिदे से, मैं कायल कर दूंगा हवा है, अभी करूंगा कायल, मेरा मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं इस बात पे। ठीक है, आप शर्त छोड़े, आप हवा, मैं तो खुदा की एक बात बता रहा हूं। चले आप ये कहें ना कि हवा नहीं साबित हो सकती, मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा हवा है। ऐसे तो आप ये भी साबित, आप तो ये भी साबित नहीं कर सकते सर, बहुत चीजें ऐसी जो आप साबित नहीं कर सकते। नहीं तो उसको मानते नहीं है ना ये आपको भाई। हवा देखे, सारे हारे सभी देख लेते हैं यार। हाँ जी, दिखा दे आप, मुझे दिखा बताएं, दे आप, हवा दिखा दे, गाड़ी के टायर में हवा घुसते हो या नहीं? हवा पर क्या, गाड़ी के टायर में नहीं? क्या चीज, गाड़ी पे बैठे हैं कभी? गाड़ी के टायर पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं कभी? हाँ जी दे बैठे हैं। तो गाड़ी के टायर में हवा भराने जाते हो? हाँ जी हवा भराने जाते हैं। पैसे देते हो? पैसे देते हैं। तो किस चीज के पैसे देते हो फिर, अगर हवा नहीं है तो? अरे सर यार, आपने वही लॉजिक मार दी अपनी यार। मैं तो इतनी, देखिए इतनी सिंपल लॉजिक है हवा को साबित करने की,
ठीक है, आपने जो मिसाल दी आपके जहन में मिसाल भी नहीं कोई अच्छी आई भाई। पैसे किस चीज के देते हो, यानी आप जाते हो हवा भरवाने और पैसे मुफ्त में दे के आए तो हवा तो है ही नहीं है, है? आपको भी इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि हवा भरने वाले को पैसे दिए जा सकते हैं, मुझे भी कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आपके जहन में मिसाल हवा की क्यों आई है सर? पहली बात तो सिंथेटिक हाइड्रोजन होता जो हम डलवाते हैं अपने। अच्छा चले चले, कुछ दिलवा के तो आते हो ना, और हवा ही होती है भाई, वो कोई सिंथेटिक हाइड्रोजन नहीं होती। आपको किसने कहा सिंथेटिक हाइड्रोजन होती? नहीं छोड़े, आप इस बात छोड़े, चले आप मुझे बताएं यार, उनके पास एक कंप्रेसर होता है, उनके पास एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर से वो हवा को कंप्रेस करके आपके टायरों में डाल देते हैं, टायर से हवा निकल जाए, गाड़ी पंचर हो जाती है। आप मतलब मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं कि अल्लाह निकल जाए और गाड़ी ना चल सके, मुझे बता दें, मैं भी मान जाऊंगा। तो अल्लाह ने कुरान में अपनी पहचान भी बताई, आप देख ले कितनी। अगर अल्लाह कुरान से निकाल भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीज? अल्लाह कुरान से निकाल दें तो मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? गाड़ी के टायर से हवा निकाल दें तो ऐसी की तैसी दुनिया में आप चार कदम नहीं चल सकेंगे। सर इससे पहले तो लोग चलते ही थे ना, गाड़ी नहीं थी जब, ये तो पहिया तो था ना तब, पहिया था ना, कुरान नहीं भी था तो क्या, कौन सी दुनिया मार गई थी? और अभी आपने कहा प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इतनी नाजेबा कलमात पढ़ दिए, यार मैं तो हमेशा ही पढ़ता हूँ, आप ना देखा करें मुझे। नहीं नहीं देख दे, नहीं मैं वो नहीं कह रहा आपसे कि आप ना कहें, लेकिन एक वो होती ना किसी पर्सनालिटी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फिर एक लहजा होता है, एक तरीका होता है किसी को क्रिटिसाइज करने का। यार आप मिर्ज़ा कादियानी को किस लहजे से करते हैं क्रिटिसाइज? यकीन करें मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जिस तरीके से आप लोग मिर्ज़ा कादियानी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमने हज़रत मोहम्मद को कभी भी नहीं किया। ठीक है देखिए, मिर्ज़ा कादियानी को हम क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो खुद को मुसलमान कहता है, बल्कि वो है नहीं, क्योंकि नबी हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, हम भी यही कहते हैं ना कि हजरत मोहम्मद अपने आप को नबी कहते हैं और वो है नहीं। ये तो वहां हम भी बना सकते हैं। अरे ये म्यार है ना आपके, मैं चले मैं आपको पकड़ता हूँ, चले मैं आपको पकड़ता हूँ, फिर से आ जाते। ठीक है ठीक है, आप पकड़े। आपने आपका वो क्या नाम आपने बताया अपने भाई का, दीन इस्लाम वाले का क्या नाम था? दीन इस्लाम यही नाम लिया था, मुझे खुद भूल गया था, ब्रदर अबू धर, वाह अबू धर क्या अरबी नाम रखा है, हाँ? रहते इंडिया में रहते इंडिया में रामू का। अच्छा आपने ये बताया, अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग या आप उनके उनको सुनते हैं, आप उनके पता नहीं आप वही खुद क्यों ना हो, मैं भी योर फैमिली, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपने पॉइंट्स हमारे सामने, उस बंदे को देख के डेढ़ साल में जो मेरे पे वीडियो बना रहे, जिसको मुझ पे पीएचडी कर लेनी चाहिए थी, ये जो गालिब ने आपका सवाल रखा यही वाला पॉइंट हम पिछले को, ये मुल्हिदीन जो है पिछले आपको 100 साल से रख रहे हैं, आपको इस पॉइंट का भी नहीं पता था, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा आप उसे एग्री करें या ना करें, वो आपकी अपनी बात है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट आप जैसे रखते हैं हमारे सामने, जैसे आप ये समझते हैं कि यार ये स्टंप हो जाएंगे, हम हवा का शोशा छोड़ देंगे, ये इलामा इकबाल के जमाने के रिलीजियस अपोलॉजिस्ट से छोड़, इससे आपकी इंटेलिजेंस का पता चलता, हमारे बच्चे जो है ना जो हमें सुनते हैं वो आपके सामने ब्लैक होल्स खोल के बैठ जाएंगे, वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें फलसफे की करेंगे, वो सिर्फ हमसे नहीं सीखी होंगी, हमसे हमारे से सुनने के बाद वो किसी फलसफी को जाकर भी देखेंगे, क्योंकि दुनिया उनकी एकदम से बड़ी हो जाती है, आपकी दुनिया छोटी ही रहती है, आप अभी तक उसी 19वीं 20वीं सदी के शुरू में ही आर्ग्यूमेंट्स थे सारे, वो कायदे आजम से भी महफूज किया जाता है ये कि कायदा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, टीचर एथियस था, उसने ये कहा तो कायदे आजम ने एंड में उठ के कहा कि आपको हवा नजर आती है, प्रोफेसर हैरान, प्रोफेसर ने कहा नहीं, उसने कहा क्या आपको अंधेरे का पता है, अंधेरा क्या है, अंधेरा रोशनी का ना होना, अंधेरा अंधेरा इटसेल्फ कुछ नहीं है, तो ये सारी इस तरह की बातें ना ये सूडो जो लैंग्वेजेस हैं इनके साथ खेल खाल के प्रोफेसर ने एंड में कहा वाह सुभान अल्लाह क्या लॉजिक दी है, मैं मुसलमान हो गया, अल्लाह ये कहानी है इस तरह की, तो ये आप उस जमाने के आर्ग्यूमेंट रख के बैठे हुए हैं, जो आपके सामने जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा है एक सिंपल सी दलील आपको मैं फिर दे देता हूँ, गालिब ने दूसरे तरीके से दी, इंसानियत तब तक आगे जा नहीं सकती जब तक आप किस उस चीज को मान लें जिसका सबूत ना हो,
बहुत सारे मुआशरे हैं जो जिन और भूतों पे, जादू टोनों पे, एस्ट्रोलॉजी पे, होम्योपैथी पे, इन चीजों पे यकीन रखते हैं, बट नन ऑफ देम हैव एनी एविडेंस। आपकी जिंदगी सही चल रही है ना अगर आप कैप्रिकॉन स्टार पे नहीं मानते। मानते हैं कैप्रिकॉन स्टार है आपको, I'm hoping you are a कट्टर मुस्लिम। आप ये जोडियक साइंस को मानते हैं? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं मानते। तो उसी तरह आपकी जिंदगी सही जा रही है और उसकी वजह क्या, लेकिन आप इंटरनेट को ना माने बगैर आपकी जिंदगी पे बड़ा फर्क पड़ेगा, MRI को ना माने बगैर, डॉक्टर के डॉक्टर पेशे को ना माने बगैर, और आजकल जो एंटी वैक्सर्स हैं उनके ना मानने से उनको तकलीफ होती है, बीमारियां फैलती वगैरह वगैरह, बिकॉज उसकी वजह आप उस चीज को मानना आपके लिए नागुजीर है जो दंके की चोट पे अपने आप को साबित करके बोलता है। उसके पीछे मेयार क्या है? सबूत। आपकी जो बातें जो होम्योपैथी को आपने मानेंगे कुछ भी नहीं होता, पिछले 150 साल से होम्योपैथी चल रही है, बड़े लोग नहीं, कोई यूज नहीं करता। हमारे जोडियक साइंस को आप ना माने कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह अल्लाह को ना मान के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्लाह का वजूद का सबूत ना होना इस चीज का सबूत है मोस्ट लाइकली कि अल्लाह डजंट एग्जिस्ट। अल्लाह तो डेफिनेटली डजंट एग्जिस्ट करता। अगर कोई गॉड है ना जो आप बात ले जाते हैं, गॉड से फौरन जंप मारते हैं अल्लाह पे, और जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो फौरन भाग के जंप मार देते हैं गॉड के, जो कि कोई भी हो सकता है, जो कि सुपर एलियन भी हो सकता है। एनीवे, हैव अ लास्ट वर्ड। सर एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ज्यूइश हैं वो यहोवा कहते हैं, और क्रिश्चियन यहिया कहते हैं, और मुस्लिम जितने हैं अल्लाह कहते हैं, ठीक है। और जो कि जो बाद में बाइबल लिखी गई, वो बाइबल तो अभी ओरिजिनल टेक्स्ट में है भी नहीं, उसमें गॉड मेंशन, क्योंकि क्रिश्चियन जो कि अंग्रेज से ज्यादा मुसलमान हो रहे थे, सॉरी क्रिश्चियन हो रहे थे। तो आप ये देखें कि बात तो एक ही जगह एक ही गॉड की हो रही है ना, इतने सालों से एक गॉड की बात नहीं। जुपिटर की बात कहां से आ गई बीच में? अपोलो की बात कहां से आ गई? थोर की बात कहां चली गई? जुजू की बात कहां चली गई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट इब्राहिम से लेकर इस्माइल जितने आए, ईसा, हम उनको क्यों लिफ्ट कर रहे हैं? गलत। हाँ, जिस तरह गलत, क्या जुपिटर गलत कह रहा था? जूलियस सीजर जो मानते थे जुपिटर को, अपोलो को, वो गलत कह रहे थे? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, हमें पता जी, वो भी गलत कह रहे थे, और आपको भी ये पता है कि वो गलत कह रहे थे। अगर आपको ये ना होता कि वो गलत कह रहे, तो आप उनके खुदा को मान रहे होते। आप इसलिए उनके खुदा को नहीं मान रहे, ये आपके नाम मानना इस चीज की दलील है कि यू थिंक दे वर ऑल रॉन्ग। अच्छा, ये भी हम उस खित्ते की बात कर रहे हैं जो खित्ता यूरोप, अफ्रीका और एशिया का जुड़ा हुआ है। कुरान ने ओल्ड टेस्टामेंट तो अपने कुरान में मेंशन कर रखी है, कुरान ने ओल्ड टेस्टामेंट मेंशन कर रखी है, तो कैसे नहीं मान रहे? ऑस्ट्रेलिया के खुदाओं को क्यों नहीं माना? मैंने आपको जुपिटर की बात की ना, जो रोमन के खुदा थे, जी, जो रोमन खुदा है, मैंने उनकी बात कर, जारी बात है, उस वक्त के लोगों को पता था, ये उसकी एक शाख है, ये भी मुसलमानों की एक बोंगी है। नहीं सर, वो तो इब्राहिमिक रिलीजन को मानते ही नहीं थे ना, वो तो इब्राहिम। यार आपको ये पता है, आप ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हो? हाँ जी, ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हैं। मुझे ये बता देंगे उसमें कितनी किताबें हैं? उसमें 5-6 किताबें रिवॉल्यूशन आप सबको पता है वो है प्राइम मिनिस्टर, तो नाम पता है ना उनका, नाम पता है ना, ठीक है। यही नहीं पता कि ओल्ड टेस्टमेंट मुसलमान जब कहते हैं ना कि हम किताबों को मानते हैं, तो आप नहीं मानते हो, आपको नाम भी नहीं पता जिस चीज को, जिसको आप मानते हो ना, एटलीस्ट उसको आपको पता होता है आपने कुछ किया। हम मेरी बात, आप नहीं मानते हो, ये बात झूठ है असल में। मेरी बात सुन ले, आप उस टेक्स्ट को नहीं मानते जो टेक्स्ट पिछड़ों ने लिख रखी है इस टाइम पे, ठीक है यार? आपने भी लिख रखी है, हमारे पास पूरा सबूत है कि कुरान भी इंसानों ने लिखा है और वो भी इंसानों ने लिखी है, दोनों इंसानों ने लिखी है, दोनों फ्रॉड है। क्या ये मानते हैं? पता है इसका बहुत सबूत है, इसका कोई थोड़ा सबूत है? वो फिर जारी बात है, वो एक अलग डिस्कशन आप आके करोगे, मैं आपसे कर लूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं आपको ये, अच्छा ये बताए, अगर बाइबल ये भी बता दूंगा। नहीं सुन ले, एक मिनट सुन ले बस, बाइबल देख ले आप कितनी चेंजेस, 10 तरीके के बाइबल है दुनिया भर में। आपने आप बाइबल की किताबें नहीं बता सकते कि ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी है, आप क्वालिफाइड नहीं है बाइबल पे बात करने के लिए।
देखें अगर आप गूगल कर करके अगर साइड में बता रहे हैं वो तो मैं नहीं कर सकता, गूगल नहीं करके बता रहा भाई, मैं गूगल नहीं करके बता रहा, ठीक है, वो एक्स क्रिश्चियन है, मैं वो एक्स क्रिश्चियन, मुझे पता है कितनी किताबें हैं, कौन सी है, कहां क्या लिखा है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, आपको पता ही नहीं है बाइबल है क्या, जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है और जो गॉस्पेल्स ऑफ पॉल है, इनसे पहले बात कर लें फिर इनका जवाब, इन्हीं का जवाब आएगा, इन्हीं का जवाब आएगा, क्योंकि मुसलमानों का ये इन्होंने वही आर्ग्यूमेंट इन्वोक किया कि भाई चूंकि वो एक नहीं है, एस दो एक होना को बड़ी दलील है, क्योंकि वो एक नहीं है इसलिए हम उसको नहीं मान सकते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि गॉस्पल्स जो हैं और जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं, क्या वो बदले गए हैं, क्या उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि ये बदले गए हैं, इनके टेक्स्ट के साथ छेड़खानी हुई है, किंग जेम्स वर्जन बाइबल तो वी नो दैट दे डिफरेंट, वो तो पेज ही वैसे किए गए हैं, तो क्या ये डिफरेंस है, जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल है या जो गॉस्पल्स हैं, क्या इनके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है बिब्लिकल स्कॉलर्स में कि ये उस ये वो नहीं है जो जो लेट्स से मैथ्यू पॉल ने लिखे थे, क्या इसके ऊपर एपिस्टल्स जो है वो एपिस्टल्स जो है उनके अंदर पॉल सिर्फ जो थियोलॉजिकल बातें क्रिश्चियनिटी की वो करता है, यीशु को खुदा मानना है या नहीं मानना, यीशु को क्या करता था क्या ये था या ना, लेकिन उसी तरह नहीं नहीं, गॉस्पल्स जो है वो अलग है, गॉस्पल्स जीसस की स्टोरी है, एपिस्टल ऑफ पॉल जो है, हाँ आप एक क्वेश्चन नहीं समझे, मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या वो एपिस्टल्स ऑफ पॉल जैसे जो पॉल ने लिखे थे, क्या उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि ये इसके कोई बीसीओ वर्जन बन गए एपिस्टल्स ऑफ पॉल के, नहीं नहीं ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट ये है जो बाइबल की सिचुएशन है वो ये है कि उसमें जो है ना, और हर बुक में होता है, कुरान का भी हमें पता कि चेंजेस हुई हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस हुई हैं, और वो चेंजेस कैसे होती थी, मसलकी इख्तलाफ है, जैसे बरेलवियों ने अपनी किताबों में कुछ लिख दिया, दूसरों ने कुछ लिख दिया, कोई एक आधा वर्ड चेंज कर दिया जिससे उनकी उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, बेसिकली जो अपिस्टल्स हैं वो असल में गॉस्पल से ज्यादा पुराने हैं, अपिस्टल्स जो हैं वो गॉस्पल से ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि वो जो हैं वो असल में जो सबसे पुराने जो आज तक मैनुस्क्रिप्ट मिले हैं वो अपिस्टल्स ऑफ पॉल के हैं, क्योंकि पॉल बेसिकली असल क्रिश्चियनिटी शुरू करने वाला था, और कुरान के जो सबसे पुराने मिले हैं वो जाके अब्दुल मलक के वक्त के मिलते हैं, उससे पीछे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, सर 30-50 में के भी मिल जाते हैं, जो कि अभी लंदन में मिला है 1350 का कुरान है, वो कितना है आपको पता है, पूरे कुरान का कितना है, 2% बताएं मुझे, उससे आप क्या कंफर्म कर लेंगे, बताएं मुझे, सही है, और कार्बन डेटिंग का मसला ऐसा है कि जिस डियर की या जिस हिरन की खाल पे वो लिखा है ना, वो मरा है रसूल से पहले, वो रसूल से भी पहले का बर्मिंगम कुरान निकला हुआ है, सही है, रसूल आपके 587 में पैदा हुए हैं ना, वो तकरीबन 580 से भी पहले का वो कुरान निकला है बर्मिंगम। तो मैं लास्ट में बस ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके आर्ग्यूमेंट सही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, तो आप क्यों ब्रदर अबूजर को आप अपने बुलाएं लाइव पर, उनको भी इनवाइट करें, ब्रदर अबूजर की कोई औकात नहीं है, लेट्स सर, ये तो आप कह, नहीं सर, तो मैं कहूंगा, मैं मेरे पास ताकत है इस चीज का फैसला करने की, सर, अगर उसके पास ताकत होती, मैं आपको बताता हूँ, उसके पास तो मुझ में भी नहीं सर आपसे बात करने की, वो तो आप लाइन में आके लग जाए, लाइन में आके लग जाए, तो बैठे हैं ना लाइन में, आगे लग जाए, मुझे नहीं पता, उसको डर लग रहा है शायद इस बात से, उसको शायद इस बात से डर लग रहा है वो इधर आएगा तो नहीं, सुनिए आप प्रॉफिट सर, सुनिए प्रॉफिट मोहम्मद की अखलाकियात पे बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अखलाकियात पे कोई बात नहीं कर लें आप, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गल्ला तो सर आप भी देखिए आपने कैसे उनको, एक है उनको आपने वो दिया मुजाहिद लगते हैं, बिल्कुल सूफी टाइप लगते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी जिनकी आपने बोला था कि ये तो पीएचडी कर रहे हैं इसमें, हां वो नहीं कर रहा था, वो गलत था, मैं उसको भी मैंने चैलेंजेस दे दे के, मलंगी जो है सबूर अहमद मलंगी है ना, उसकी बात कर रहे हैं सबूर अहमद, ब्रदर सबूर अहमद को, ब्रदर सबूर है, उसने एड्रेस कर दीन इस्लाम का वीडियो लगा के कहता है वेरी गुड रिस्पांस, मैंने कहा यार किसी अबू लेद को पकड़ना था, किसी अच्छे बंदे को पकड़ना था, कि कहते हैं दीन इस्लाम लिटरली कल का बच्चा, आई एम रियली सॉरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसने हमारे आर्ग्यूमेंट को ही, मैं आपके आर्गुमेंट को, अब मैंने जो आपने जो आर्गुमेंट रखा कि बाइबल बदलेगी, मैंने इसीलिए गालिब से पूछा, मैंने आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉमैन नहीं किया, मैंने उसी तरह पेश किया जैसा कि आप लोगों का आर्गुमेंट है, आप आर्गुमेंट को स्ट्रॉमैन करके रखते हैं, तो ये जो लड़का जो है आप जिसकी सलीम दर की अबू जर की जिसकी बात कर रहे हो आप, आई विल रियली फॉरगेट हिज नेम,
आपके फ्रीड रिस्पॉन्ड को, आपके फ्रीड रिस्पॉन्ड को मैंने कहा कि आओ मेरे से बात करो, करो दो तीन चैलेंजेस भेजे, नहीं नहीं आप ना करना टाक। सबूर अहमद मलंगी, मुझे पता चला वो नहीं बायोलॉजी में पीएचडी नहीं कर रहा, वो फिलोसफी और बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा है, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है एवोल्यूशन का, ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मुझे तो मुझे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ है, तो मैंने कहा चलो आप उस पे भी मेरे से बात करो। एवोल्यूशन भी तो, एवोल्यूशन भी तो डंप हो चुकी है अब। नहीं कोई डंप नहीं हुई यार, वो आप लोगों ने, आप लोगों के डिक्शनरी में हुई है, बाकी कहीं नहीं हुई है। अरे भाई अपने आप को बेवकूफ साबित करते हो ऐसी बातें। नहीं भाई नहीं नहीं, देखो देखो एक मिनट सुनो, मैंने सुन लो ना, मैं मेरा पॉइंट सुन लो आप, ताकि आपको असल में इसीलिए प्लीज, जब आप, जब मैं इस लम्हे से गुजर रहा था ना, तब मैं जितने थियोलॉजियंस थे, क्रिश्चियन थियोलॉजियंस जो थे, जो डॉकिंस को डिबंक करते थे, मैं उनको जाके सुनता था, मैंने अपना एको चेंबर नहीं था क्रिएट किया। आपको ये अबू जर अगर बता रहा है कि एवोल्यूशन डंप हो चुकी है, तो इसका मतलब आप एक गलत से दायरे में फंस के रह गए हैं। क्या आपने रिसर्च की अपने तरीके से, किसी पीएचडी साइंसदान क्या कह रहा है एवोल्यूशन के बारे में, क्या आपने कुछ सर्च की? आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप YouTube पे जाके इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सिंपल डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई है, जो आपको पूरे पूरे सबूत के साथ, मैंने, आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं जो साइंटिफिक जर्नल है, वो चलो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है समय, तो आप उनकी डॉक्यूमेंट्रियां देख सकते हैं। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप अपने आप को इस जमाने में जाहिल रखें, लेकिन आप इसलिए जाहिल से मुराद नहीं, मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, आप बोले ला इल्म रखें, आपके पास कोई आर्गुमेंट, और आप ला इल्म अपने आप को रख रहे हैं, बिकॉज यू आर स्टिंगिंग टू, ये लो लेवल कंटेंट है जिसको अबू जर की आप बात कर रहे हैं, जो ये समझता है कि एवोल्यूशन डंप हो चुकी है। एवोल्यूशन के अंदर भी न्यूअंस आया कि क्या एनवायरमेंटल म्यूटेशन होती है, क्या एनवायरमेंटल एवोल्यूशन होती है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है इसके ऊपर, लेकिन उसमें जो कहते हैं ना डार्विनियन प्रॉब्लम है, उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो एनवायरमेंटल को भी अब कहते हैं, लेकिन इवॉल्व हुए, इसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि इंसानी, सॉरी एक जानदार जो है उसकी शेप बदल के, इर्तका के अमल से गुजर के उसकी शेप दूसरी होती है, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट, अब थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट उसके अंदर एक न्यूअंस है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, न्यूअंस है कि एनवायरमेंटल है, जेनेटिक म्यूटेशन रैंडम है या नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन रैंडम, नेचुरल सिलेक्शन, इसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर एविडेंस भी आ रहा है, लेकिन डंप नहीं हुई कोई दुनिया, आपका सबूर अहमद भी नहीं कहता डंप हुई है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया। तो मेरे भाई, आपको अगर हमारी शक्लें बुरी लगती हैं, आपको हमारी इखलाक बुरे लगते हैं, तो आप पीएचडी साइंसदानों की डॉक्यूमेंट्रियां देख लो, अभी देखो बिगेस्ट प्रूफ्स फॉर एवोल्यूशन यूट्यूब पे डाल दो, आपको सुलझे हुए लोग, वो रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, वो आपके अल्लाह मियां को कुछ नहीं कह रहे, हजरत मोहम्मद को कुछ नहीं कह रहे, उनको जाके आप देखो। आई हैव टू रैप इट अप, ठीक है, लास्ट वर्ड कह दें आप। जी सर, मैं, और मेरा लास्ट वर्ड ये है कि थैंक यू आपने इतनी देर बात की, बाकी ये है कि आप थोड़ा वो बोल देना कि आप थोड़े कुछ ऐसे तरीके, जैसे आपने ये कह रखा है मुसलमानों को मोमिन मोमिन कहते हैं, या हिंदुओं के लिए भी कोई वर्ड्स आपने नेगेटिव रख रखे हैं, तो मोमिन तो असल वर्ड है, से मोमिन मुझे टुन्नी आप, सुन्नी सुन्नी टुन्नी मुझसे वर्ड आप लेते, मुझसे तो मुसलमान हिंदुओं का, बेचारे मेरे हिंदू भाई, उनसे मैं माफी चाहता हूँ, हमसे जो हिंदू भाई तो समझदार लोग हैं, जो टुन्नी भाई हैं वो हमसे शिकवा ये करते हैं। वैसे आपको पता है एक बात पता है आपको, संजय दीक्षित ने आपके बारे में क्या बोला इनडायरेक्टली? बोला होगा आरम की वक्त, आपको बोला है कि आप लोग एथिज्म के लिबादे में इस्लाम को ओढ़े हुए हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है, वो संजय दीक्षित, मैंने अपने, हमने अपने अखलाकियात, जो मेरा जो हमारी जो इंटेग्रिटी है, हमने उसको जवाब देना है, हमने अपने आप को शीशे में देख के कहना है, या हमने दीक्षित को, या तुफैल चतुर्वेदी को, या नीरज अत्री को, या आपके ये अबू हनीफा, अबू क्या नाम है, अबू दर को, इनको जवाब देना है, हमने इनको नहीं जवाब देना, हमने तो हमारा एक नजरिया है जो इंसानी हकूक के गिर्द घूमता है, जिसमें आपके साथ अगर जुल्म होगा, चाहे कोई टुन्नी करेगा या कोई घोरा करेगा या जो भी करेगा, हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे, हम तो उसके खिलाफ आपके इंसानी हकूक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब इस पे चूंकि आप इस्लाम को डिफेंड लेट्स से करते हैं, और लेट्स से आपके कोई बड़े सख्त व्यूज भी हों, अगर आपसे मुराद कोई मुसलमान हो, तो उसके ऊपर
अगर डिक्शन को तकलीफ होगी कि हैं हारिस तो इसकी इंसानी हकूक की बात कर रहा है जो कि लव जिहाद पे यकीन रखता है, तो अरुण केयर अबाउट दैट, क्योंकि हमारा भाई बात कह रहा हूं ना, आप लोग हमारे आर्गुमेंट को समझे नहीं है, क्योंकि जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं आप उनसे जाके सीख रहे हैं हारिस के बारे में। वो भाई हारिस को जाकर वो अपनी वीडियो में पता नहीं वो कहता है पादुल्ला कहता है, वो किसी एक वीडियो में कहता है कि नहीं सर मैं आपको बता दूं, फौरन क्लिक करके डिसलाइक कर दो, इनकी वीडियो को देखना नहीं है ना, देखोगे तो ईमान उड़ जाएगा, तो इतना इनसिक्योर हो आप सर, ये लोग। मैं आपको बता दूं आपकी वीडियो तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूं, जब आप कॉमेडी शोज वगैरह रात में 11:30 बजे तक आप शायद स्टार्ट करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर मजाक करना। धीरे धीरे मतलब ये होता है कि पहले तो शुरू में बुरा ही लगता है कि आपने कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा आपने एक बुक भी लिखी, आप राइटर भी हैं बड़े अच्छे। उतना अच्छे वाला बात, अच्छा वाले बात तो शायद डिबेटेबल हो, लेकिन जो भी है, it doesn't matter, लेकिन अब मेरी बात छोड़े, आप देखिए कल परसों वीडियो आई है नहीं अबूजर भाई की, उन्होंने उसमें आपकी बुक को डंप किया है। अच्छा डंप किया, वो ऐसे ही किया होगा जैसे उसने एवोल्यूशन को डंप कर दिया। आप मतलब आप देख सकते हैं वीडियो जाके, आप देख सकते हैं वीडियो जाके। I don't have time. I seriously, मैं ये लो, ये बड़ा लो लेवल का है, मैं थोड़ी मैं हकीकत चू को पकड़ा, मुझे फायदा हुआ, मुझे लोगों ने उन्होंने तो आपको उसको उन्होंने तो आपको सीधे तरीके से आपके तो एथिस्ट ब्रदर्स भी ब्रदर्स भी नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं सामने आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था, आप कह रहे थे हम प्रॉब्लम यही है, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी कि आप कह रहे थे हमारे में प्रॉब्लम यही है कि कोई आता नहीं है सामने, देखो मोमिन तो आए थे सामने, क्यों नहीं आए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हकीकत ने आपका जो इस्लाम का बेड़ा गर्क किया है, जो उसने मान लिया कि रसूल अल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, ठीक है मुझे बताएं फिर, हमें तो साबित करने की जरूरत नहीं, हम तो इतने देर से यही साबित कर रहे थे कि रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल की के साथ सेक्स किया और उसने ये बात मान ली, अब मुझे बताएं आप कहना अच्छा है, उसने कहा आज भी सही है, उसने कहा आज उस समय तो ये बात सही है, उस समय डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, डिफरेंट चीजें होती थी, तो उस समय लोग शादी कर लिया करते थे, रसूल अल्लाह का सुन्नत या सुन्नत रसूल पे आज आप अमल करते हैं या नहीं करते, मुझे बताएं सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं या नहीं, क्या सुन्नत रसूल पे अमल करना गलत है या सही है, मुझे ये बता दें। हर सुन्नत रसूल पे अमल करना जरूरी नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएं एक मिनट कौन सी सुन्नत रसूल पे अमल करना जरूरी नहीं ये बता दें जवाब। जैसे फिर जैसे आप देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स है आजकल, जैसे आपको पता ही होगा मालिकी शाफई हम्बली ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो सुन्नत रसूल कौन सी है जिस पे अमल करना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं रफली दहन करता हूँ, मतलब हाथ ऊपर लाके दो हर बार नीचे करना, ठीक है, जो मेरे हनफी ब्रदर्स हैं वो नहीं करते, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, चले ठीक है ये ठीक है हम मान लेते हैं दोनों पे, मगर मुझे ये बताएं कि कौन सी सुन्नत रसूल है जिस पे अमल करना जरूरी नहीं है। बहुत सी जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में छोड़ दी, आप यानी अभी मुझे यानी आप इस बात से अगर मैं ये कहूँ कि रसूल अल्लाह की 9 साल की बच्ची से शादी करने वाली सुन्नत पे करना नहीं चाहिए अमल, वो तो श्री राम जी ने भी की है ना, आप देखिए चले राम मेरी फूफी का बेटा तो नहीं है ना, मुझे उससे क्या लेना, आप हाँ, कोई मतलब चले मुझे ये बताएं कि हजरत मोहम्मद की 9 साल की जो बच्ची से शादी करना है उस सुन्नत पे अमल करना जरूरी नहीं है, तो आप ठीक कह रहा हूँ, आप मुझे इस बात का जवाब नहीं दे रहे ना, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, नहीं आज के दौर में ठीक नहीं है, पहले के दौर में आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर में इस सुन्नत पे अमल करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि इस दौर में क्यों नहीं चाहिए, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया अगर नहीं चाहिए मगर क्यों नहीं चाहिए सर, ऐसे तो मैं ही बोल रहा हूँ खुदा नहीं है तो क्यों नहीं है, आप बता दें मुझे क्यों तो यार है? बात ये है कि वो मैं खुदा की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे हम तो ये नहीं मानते ना कि खुदा है या नहीं है, वो तो एक मैटर ही डिफरेंट है, मैं तो अब रसूल की बात कर रहा हूँ, खुदा की तरफ ना जाए अभी जरा रसूल को डिस्कस कर, हम कह देते खुदा नहीं है क्योंकि सबूत नहीं है, लेकिन आप इधर बजा होगी ना, मेरी बात सुन ले, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपकी एक पोजीशन है, देना सुन लेना यार, एक मैं क्वेश्चन आपसे प्रॉपर फॉर्मलाइज कर लूं उसका आंसर दें, आपने कहा कि रसूल अल्लाह की इस सुन्नत पे आज के दौर में अमल करना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि क्यों नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसलिए नहीं है सर क्योंकि हमें उस टाइम की जो अरबिक हिस्ट्री है, कल्चर है, एटमोसफेयर है, कुछ नहीं पता हमें उस टाइम का, लगभग ऑलमोस्ट मतलब अब देखें, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें फिर हमें पता ही नहीं है कि रसूल अल्लाह ने जो जिंदगी में काम किया था वो ठीक था या नहीं था,
इसलिए हम नहीं उस समय इखलाकियात पे वो बात आती थी कि नहीं आती थी इस टाइम पे, गलत माना जाए। मुझे एक बात बताएं कि आप यानी ये कह रहे हैं कि आज रसूल अल्लाह की जो सुन्नत है वो रेलेवेंट नहीं रही, असल में आप ये कह रहे हैं? नहीं, रेलेवेंट है, सारी हदीस सारी सुन्नतें रेलेवेंट है, लेकिन कुछ सुन्नत जैसे अभी आपने फिर मैं ये कह सकता हूँ आपकी बातों की रोशनी में, ये कह सकता हूँ कि रसूल अल्लाह ने जो सारे काम किए थे वो सब ठीक नहीं थे, कुछ ठीक थे भी नहीं, बिल्कुल सारे ठीक थे। तो फिर 9 साल की बच्ची से शादी ठीक थी ना फिर? हाँ बिल्कुल ठीक थी। चलें बस यही पूछना था आपसे, अब और क्या बात रह गई है बस, ठीक है। अच्छा, और उससे उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि आपने जो ये जो बात की ना कि हकीका चू ने क्या किया, मुझे समझ नहीं आपका क्या पॉइंट है, उस पर एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि बड़ा प्रोपेगेंडा किया मोमिनों ने, उधर अंग्रेजी बोलने वालों ने भी, उर्दू बोलने वालों ने भी, और अब हमें इसके जो जवाब है वो हमें पूरी भरपूर तरीके से मुझे नजर आ रहे हैं, किस किस्म के, मैंने उसका चेहरा हटा दिया, गोरी थी। Hey Harris, just watched your debate with Daniel Pikachu and showed it to my Muslim best friend and guess what, we both are atheists now. So anyway, इस तरह के बड़े ये तारीख में आते रहेंगे, ये वो चीजें होती हैं जो तारीख में धमाका कर देते। यही वजह है कि मैं और बकरों को ढूंढ रहा हूँ, सबूर को ढूंढ रहा हूँ, फरीद को ढूंढ रहा हूँ कि मेरे से आके बात करो बात करो, क्योंकि आप जब आप ये कह देते हैं ना कि हाँ 9 साल की बच्ची से 50 साल के बाबे की बात करना ठीक है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, आप अपने ईमान में और रसूल अल्लाह की मोहब्बत में आप ये बात कहने पे मजबूर हैं, लेकिन आपको नहीं पता, एक सेकंड सुन ले, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितना डैमेज कॉज कर रहे हैं। ये है आज से 1400 साल पहले अगर हम कैमरा ले जाएं तो उस वक्त ये हो रहा होगा। ये आपने देखा, ये 60 साल का बाबा, एक जी जी मैंने देखा, हाँ जब आप ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह की मोहब्बत में आप टाइम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, हालांकि हकीका चू ने कहा इसमें कोई गलत बात आज भी नहीं है, वही मुझे समझ नहीं आती, ये लोग जो छलांगे पर अबू धर जो है इनको शायद अंग्रेजी नहीं आती, या खैर वो तो खैर है ही झूठा ना, ये लोग तो मैंने जो मेरे मुंह पे मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं, तो ऑब्वियसली इट मींस मैं क्या किसी बंदे को दूं कि जो झूठ बोलता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो मेरी नजर में उसको मैं क्यों उसके साथ टाइम जाया करूं, अनलेस कि मुझे फायदा हो, जैसे हकीकाचू के साथ, सबूर अहमद के साथ मुझे फायदा, फरीद रिस्पॉन्ड के साथ मुझे फायदा, इसलिए मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, उनको छेड़ रहा हूं कि आओ मेरे से बात करो, लेकिन ये लोग जो इनसे मुझे कोई फायदा नहीं है, और ये झूठे लोग हैं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। आप मोहब्बत में, मोहब्बत में रसूल अल्लाह की मोहब्बत में आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैंने दिखाई ना, इसको आपको अंदाजा नहीं है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बाहर के मुसलमान हैं, जो इस्लाम को इतनी अटेंशन नहीं पे करते, जब वो ये देखते ना वो कहते हैं इस्लाम में ये है, फिर वो छोड़ते हैं। लास्ट वर्ड सर, मैं तो डिनाई कर रहा हूँ इसको, मैं डिनाई करता हूँ इस चीजों को, लेकिन ये देखें जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर कल्चर डिफरेंट था। देखें आप रोमन्स भी माले गनीमत लूटते थे, आपको नहीं पता, सच है ये बात, ये चंगेज खान क्या मुसलमान था? हम यही तो कहते हैं कि उनमें और रसूल अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, हम यही तो कहते हैं, आप तो हमारी बात प्रूव कर रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं, नहीं नहीं भाई मईदीन आपने फिर ओन गोल कर दिया, इसलिए मैं डैनियल को, आपने ओन गोल कर दिया वाकई, डैनियल ओन गोल हकीकत जो कहता हूँ, यही तो हम कह रहे हैं कि ये इखलाकियात जो होती है वो अबदी नहीं होती, आप कहते हैं ये अबदी, रसूल अल्लाह हमें अपनी एग्जाम्पल से अपना एग्जाम्पल दे गए कि ऐसे जिंदगी जीनी है, आप ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह के सर्टेन एलिमेंट, इसका मतलब वक्त बदल गया, रसूल अल्लाह मुझे दिखा दें, नहीं मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी दिखा दे जिन्होंने एक भी माले कभी माले गनीमत में औरतें लूटी, उन्होंने तो उल्टा आजाद कर दी कि ये पकड़ के, तो वो सलाउद्दीन का अच्छा काम होगा ना, रसूल अल्लाह ने वो काम नहीं किया, सलाउद्दीन हम मानते हैं फिर वो रसूल अल्लाह से अच्छा है, हम मानते हैं, मान लेते हैं वो अच्छा था, लेकिन वो आजकल के जमाने से, वो आजकल के मियार में वो भी पूरा नहीं उतरेगा, क्योंकि ये यही हजरत अली ने, सर हजरत अली ने खुद आजाद की है,
उनके नहीं, लेकिन हजरत अली ने लौंडियां रखी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हजरत अली ने लौंडियां रखी, मगर चले हम मान लेते हैं कि हजरत मोहम्मद से हजरत अली अच्छे थे। पिटाई, पिटाई की नहीं, ठहर जाए ना, पिटाई की है ना ये तो खैर हजरत अली के बारे में। हजरत अली ने जब हजरत आयशा के ऊपर इल्जाम लगा था तो हजरत आयशा की नौकरानी को हजरत अली ने हजरत मोहम्मद के सामने बड़ी बेदर्दी से पीटा था, ये इब्ने शाक में वाकया लिखा है, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई भी है। तो ऐसा तो ना आप हमारे साथ पर, और मैं ये कहने के लिए तैयार हूं, ये मैं डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं कि उस जमाने में लोग वैसे ही होते थे। और मैं ये भी कह चुका हूं कि हजरत मोहम्मद ने अगर जुल्म किया, जैसा भी किया, जंगे उस वक्त ऐसी होती थी, अगर वो ना करते तो काफरों ने उनके साथ ये कर देना। तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं, ये साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि आपकी म्यार जो है उस वक्त का म्यार वो फिर अबदी नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने जो जो वो तो सब ने किए, वो तो जूलियस सीजर ने भी किया है, क्लोपत्रा ने भी किए हैं भाई। हां ये कौन सी बड़ी बात है, जो औरतों पे जुल्म होता था उसको उन्होंने रोका, जिस तरीके से उनको दबा दिया। चलिए एक सवाल का जवाब दें फिर, क्या हजरत ईसा हजरत मोहम्मद से अच्छे थे या बुरे थे? सरजा दोनों में किसका बुलंदा है, किसका बुलंदा है? मैं कहूं कि हजरत गालिब और हजरत आप भाईजान हारिस सुल्तान भाई, आप कह सकते हैं कौन है दोनों में से कौन अच्छा है? आप कह सकते हैं सर, वो तो आपकी मोहब्बत है ना, आप तो बिग गए इंडिया की तरफ से, चले ना क्या इसमें क्या, मगर आप बता देना। मदनी मुंडा जीत गया, चले आप गालिब भाई हमारी तरफ आ गए, इंडिया की तरफ। हाँ नहीं, बहुत दिल्ली आए, कभी बहुत मोहब्बत देंगे आपको भी। हाँ वो कैसी मोहब्बत देंगे, अरे सर आप इस बात से भी मुनकर नहीं हो सकते मेरे भाई कि आपके अपने ही मजहब के पैरोकार जो हैं, अगर उनके थे हारिस चढ़ जाए या गालिब चढ़ जाए, अकेला तो मैं एक दो को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन जत्था चढ़ जाए तो वो क्या करेंगे, आपको पता है इस चीज का भरपूर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जिस मर्जी चाइना के नहीं, जिस मर्जी जो हमारी तरह के मुल्हिदीन है, आप जैसे हजारों आ जाए, हम किसी से कभी किसी से सख्ती नहीं करेंगे, कभी किसी के ऊपर हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये बात तो आप मानते हैं ना? एक और ब्रदर है, मैं उनको बहुत पहले सुनता था, जब आपको नया नया सुनना शुरू किया था, गालिब भाई भाई को और आपको, ये जो कि ग्रीक से हैं, वो शायद ग्रीक से हैं, हमजा सोर्सेस उनके देखे, उनकी जो डिबेट हुई थी इनसे, जो वो भी मुल्हिद है शायद, वो साइंटिस्ट है लॉरेंस क्राउस, उनसे तो वो हार गए, लॉरेंस क्राउस बिल्कुल ही उसने ऐसा तो किया था, उसको सोर्सेस को सोर्सेस का तो कैरियर तबाह हो गया, उससे कोई डिबेट ही नहीं करता। एग्जांपल सुन, वो कहते हैं तू तो बड़ा स्टूपिड है। ठहर मैं गालिब, मैं आपको बताता हूं इसकी मैं स्टोरी अक्सर बता चुका हूं, इसीलिए आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी, इस कॉल को ना दीन इस्लाम पे चलाना। हमजा सोर्सेस ने उससे पहले बात की थी परवेज हूद बॉय से, परवेज हूद बॉय के सामने वो कहता है एम थ्योरी हैज नाउ प्रूवन गॉड इज Allah is real, God exists, and that M theory. Parvez Hoodboy ने क्या कहा? जो scientist है, Parvez Hoodboy ने कहा ये blackboard है। मैंने आप proof कर दीजिए इसको, proof कर दीजिए इसको, लिख के दिखा, लिख के दिखा दे। मैं एक equation लिख के दिखा दे। Draw कर दीजिए। हाँ draw कर दीजिए, M theory draw कर दीजिए। हमजा sources, फिर उसको छेड़ा। हमजा sources ने ऐसे तो नहीं किया था, हमजा sources ने कहा था ऐसे किया था, ऐसे किया था। उसने लिखी थी equation। नहीं लिखी थी ना, बिकॉज उन्होंने कहा इट्स नॉट माय प्रोफेशन यार, उसका बिल्कुल मुंह जो है ना वो मीट था जोहन में जो गोट मैन होता है उस जैसा बन गया। नहीं सुने मैं पूरा एक बड़ा केस आपके सामने रखने लगा हूं। उसने इसलिए नहीं किया, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो हाउ कैन यू डिबेट विद अ साइंटिस्ट उसका जिसका सब्जेक्ट है। आप उसको कह रहे हो कि एम थ्योरी के अंदर अल्लाह लिखा हुआ, वो आपको कहता है एम थ्योरी लिख के दिखाओ, एम थ्योरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा इसके और उस पर उन्होंने उसको झूठा बोला तो परवेज हूद बॉय गुस्से में चले गए तो उस पर उन्होंने ओ जीत गए, पता नहीं ये जीत का वही हकीकत वाला आर्गुमेंट, जीत गए, उधर से मुसलमान छोड़ रहे हैं इस्लाम के हैं, औरतों की पिटाई करना ठीक है, ये तो कह रहे औरतों की पिटाई करो, उनसे शादियां करो ताकि इंसानियत नस्ल इंसानियत के फर्टिलिटी रेट बढ़े, ये कह रहे हैं हम जीत गए। अच्छा उस पर आगे आते हैं, फिर वही लॉरेंस क्राउस के साथ डिबेट, लॉरेंस क्राउस ने भी उसको कहा आप एम थ्योरी, पता नहीं कौन सी थ्योरी थी मुझे सही याद नहीं, उसने कहा आपको उसकी एबीसी भी नहीं पता, लॉरेंस क्राउस ने उसको कहा, लॉरेंस क्राउस ने उसको इधर उधर की जूतियां मारी, एक वो आर्गुमेंट था इंसेस्ट के ऊपर जिस पर मुसलमानों ने बड़ा शोर मचाया, वो थी इसने तो इंसेस्ट को बात कर ली, हालांकि इंसेस्ट का खुदा के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं, उसने हमजा सोर्सेस का ही उसके बाद एक बहुत मशहूर क्लिप पड़ा हुआ है जाके देखना, क्योंकि वो साइंस ऑफ गॉड
हाँ नहीं, वो साइंस ऑफ इस्लाम, साइंस ऑफ द कुरान, साइंस ऑफ 10 साइंसेस ऑफ इस्लाम, उसमें भी हाँ सेम लॉजिक दी है उन्होंने, और जो उसने दूसरी दी वीडियो उसमें भी सेम लॉजिक है। उसमें लॉजिक उसने ये दी क्यों नहीं, वो तब तक वही आर्ग्यूमेंट देता था, तब तक वही आर्ग्यूमेंट देता था कि साइंस कुरान में साइंस है, हम कुरान से साइंस साबित कर सकते हैं। फिर उसने उसकी जब धुलाई हुई ना दो साइंसदानों से, क्योंकि बंदे को पता चल जाता है मैं डॉकिंस के साथ डिबेट करने लग जाऊं एवोल्यूशन पे, वो ऐसी इधर उधर की चिपड़े मारेगा मुझे, मैं अब मुझे समझ आ जाएगी कि यार मैं तो औकात ही कोई नहीं है। मेरे को औकात नहीं है ये समझ आ उसकी जाए। उसकी ये फिजिसिस्ट ने बताया कि आपको तो एम थ्योरी लिखनी नहीं आती, तो उसके बाद उसने वो वीडियो बनाई, उसने कहा कि हम मुसलमानों को इस मामले से दस्तबरदार हो जाना चाहिए कि कुरान के अंदर साइंस है, उसने कहा, उसने ये कहा। तो भाई वो कैसे जीत गया मेरे भाई, अब जिद के ऊपर अगर कोई कमा हुआ है, अगर जिद के ऊपर कोई रुका हुआ है तो ठीक है आप देखिए करते रहो, उनका कोई उनका वे एथियस्ट। ये नहीं, सुनिए उनका वे ये नहीं था बोलने का। उन्होंने कहा था कि जो साइंस है ये एक सब्जेक्ट है और इस्लाम एक रिलीजन है, तो दोनों चीजों को हम मिला नहीं सकते चीजों को। हाँ देखिए क्योंकि साइंस इस्लाम बहुत पहले मिलाता नॉनसेंस है था, और साइंस बहुत साइंस पढ़ी सेंसेबल चीज जाती है। है, नहीं नहीं कोई नहीं नॉनसेंस साइंस बहुत थोड़ी बोलता सेंसेबल चीज है, इस्लाम बहुत नॉनसेंस है, ये कहने का है। नहीं मतलब नहीं था गालिब आपका ठहरे, नहीं रिलीजन। लेकिन नहीं ठहरो मोहिद्दीन, लेकिन वो यही तो नहीं कहता था ना पहले, फिर इसका मतलब वो पीछे हट गया ना एक कदम, वो पीछे हट गया, वो तब तक वो जाकिर नाइक वाली फिलोसफी करता था, ब्रदर बिग बैंग इसके अंदर साबित है, और फिर उस पे वो हट गया उस मदार से, बिकॉज ये बात सही है, ये बात सही है कि कुरान के अंदर कोई साइंटिफिक बात, कोई गैर मामूली चीज नहीं, या तो उस जमाने की बातें या बड़ी वेग बातें हैं, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है। सो दैट्स द रीजन आई हैव टू रैप इट अप। तो हमजा अब्बासी झूठ बोल रहे हैं कि वो क्या पहले झूठ, एथिस्ट थे, कि वो नहीं वो पहले नहीं वो एथिस्ट थे, उसको नहीं वो उन्होंने तो हमजा पढ़े अब्बासी का पढ़े इस्लाम कौन सा किताबें। है, हमजा अब्बासी का इस्लाम कौन सा, हमजा अब्बासी का इस्लाम है एवोल्यूशन है, हमजा अब्बासी का इस्लाम है कि 9 साल की बच्ची के साथ शादी हो ही नहीं सकती, गलत है ये, हमजा अब्बासी का ये इस्लाम है, हमजा अब्बासी का क्या वो इस्लाम ही नहीं है नहीं उसको वो ये अगर आपने, उन्होंने, हम तो ये भी कह रहे हैं ना, वो तो उन्होंने भी कहा ना कि आज के दौर में 9 साल की बच्ची से शादी नहीं नहीं हो ये सकती। नहीं यार कहा, हमजा अब्बासी अब्बासी कह पर रहे हैं, मसला नहीं है ना यार, जो मैं भी नहीं कह रहा इस्लाम है ठहरो, उसका वो उसका है ना, हमारा नहीं नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा नहीं, ये गलत बयान नहीं करते हैं ना यहाँ पे, जिन जो जो मॉडर्न मुसलमानों ने एथिस्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ कंपैटिबल हैं, और उन कंपैटिबिलिटी के साथ वो अपने खुदा को इफ दे थिंक के वो साबित कर देते हैं, तो ये समझते हैं कि हमारा खुदा जीत गया, नहीं उसका खुदा ही हो रहा है। हमजा अब्बासी नहीं कहता 9 साल, वो कहता हुई नहीं थी 9 साल की बच्ची से शादी, वो नहीं मानता रसूल अल्लाह की कितनी बीवियां थी, वो नहीं मानते ये वाली सारी बातें जिनको आप मानते हैं, वो वो कहते कहता हैं है, कि वो तो कहता मैं है गेज हदीस भी को ठीक डम है, मानता हूँ, हदीस को नहीं डम वो मानता हूँ, हाँ तो ओनली वही कुरान पे विश्वास रखते हैं, कुरान को मैं भी। हाँ हाँ तो आप रखते हैं कुरान पे खाली विश्वास, आप तो हदीस को भी मानते हैं, तो नहीं मैं सिर्फ आप सही हदीस मानता हूँ सही है ही वो हो बुखारी मुस्लिम जो भी है हसन। सही हदीस, यार सारी गलत चलो हो जाती है जब उनमें से कोई बात निकल आए तो। सही है इसमें ही है ना, 9 साल की बच्चियां वगैरह और लौंडियां वगैरह, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उन्होंने अगर अपने इस्लाम को बचाया है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजों को डंप करके बचाया, आप डंप, और उसके साथ मैं और तरीके से निपटता हूँ, उसके साथ मैं और तरीके से निपटता हूँ कि कचैली मट्टी से इंसान कैसे बना, ये तो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ही नहीं, एवोल्यूशन को वो मानता है, आप मानते हैं एवोल्यूशन को, वो तो मानता है एवोल्यूशन को, गांधी साहब तो मानते हैं एवोल्यूशन नहीं को, मैं नहीं मानता हाँ तो रिवॉल्यूशन फिर को उसका बिल्कुल हवाला कहीं नहीं से भी। देगा, फिर आप नहीं है ना, फिर उसका हवाला आप नहीं देगा, हमजा को ना लाएं बीच में फिर। फिर हमजा को ना लाएं, आप मुफ्ती तारिक मसूद को लाएं, अपने अबू धर भाई को लाएं, या तारिक जमील को लाएं जो हूरों के साइज बोलो बनाते हैं, बच्चों हाँ आप उनके ऊपर यकीन रखते तो उनका हवाला दें, ये उनको थैंक रोका ना दें, चले आई हैव टू रैप इट अप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू थैंक। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।